कैसे हैं आप लोग। रमन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि झारखंड राजस्व कर्मचारी एग्जाम का आपका आयोग के द्वारा आंसर की दे दिया गया है, और आज हम लोग उसी पे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें कि उसके आंसर की को लेकर के कुछ ऑब्जेक्शन है, और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे कि उसका आंसर कुछ अलग है और आयोग के द्वारा दिया गया आंसर कुछ अलग है। तो हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आप लोग सभी को जो जो इसमें हैं दिए हुए हैं ऑब्जेक्शन कैसे देना है, मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चंस को लेकर के कंट्राडिक्शन है और ऑब्जेक्शन है हम लोग को। चलिए चलिए हम लोग पेपर 3 को पहले कर लेते हैं, जो कि जीके सेक्शन था। चलिए ये आपका जो क्वेश्चंस है, देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चंस है, जिसमें इसमें दिया गया था कि आपको इसमें बताना था कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उपयोग जो कि बड़े डाटा को संग्रह करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका, आप लोग सभी जानते होंगे कि देखिए ये आपका हार्ड डिस्क आंसर होना चाहिए, लेकिन आपका जो की में जो आंसर दिया गया है वो आपका मैग्नेटिक टेप है। तो ये क्वेश्चंस को लेकर के थोड़ा ये है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और देख लेते हैं कोई क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चंस था कि झारखंड डैश का एकमात्र उत्पादक है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है आपका कोकिंग कोल जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि कोकिंग जो कोल होता है वो झारखंड में ही आपका 100% कह लीजिए कि उसका प्रोड्यूस करता है। यह आयोग की तरफ से ऑल ऑफ दीज का दिया हुआ है, लेकिन देखिए यूरेनियम जो है आपका आंध्र प्रदेश भी करता है, बंगाल भी करता है, पायराइट भी आपका बहुत जगह देश के बहुत और जगह में भी होता है। कोकिंग कोल जो है वो आपका सिर्फ झारखंड में ही होता है। ठीक है, तो ये बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे देखिए है मिरर इमेज ऑफ, ये जो आपका लिखा हुआ है DISC, इसका मिरर इमेज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि आपका मिरर दिया नहीं गया है। ठीक है, आपका एक राइट में भी मिरर हो सकता है या फिर नीचे भी मिरर हो सकता है, तो इसको लेकर के भी थोड़ा सा है, लेकिन आयोग द्वारा जो दिया गया है आंसर वो आपका राइट को लेकर के दिया गया है। लेकिन चलिए ये थे हमारे पेपर जो 3 के जीके सेक्शंस में। आपको यदि कुछ ऐसा लग रहा है कोई क्वेश्चंस में तो कमेंट बॉक्स में आप लोग भी लिख करके डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पेपर 2 में चलते हैं हिंदी में। चलिए देखिए फणीश्वरनाथ रेणु के कहानी में किसे सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। देखिए इसमें होना चाहिए आपका गांव अंचल एवं संस्कृति का बी नंबर, लेकिन आयोग के जो की में है वो शहर की संस्कृति दिया है, तो ये आपका हो ही नहीं सकता है। ठीक है, गांव अंचल और संस्कृति होगा, क्योंकि वो आंचलिक उपन्यास बहुत सारे लिखे हैं। ठीक है, तो वो आपके गांव अंचल और संस्कृति होगा। चलिए आपका दूसरा जो है कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था, तो देखिए ये आप लोग भी मिला लीजिएगा, नेट से भी मिला लीजिएगा, ये 19/9 होगा, 19 सितंबर 1927 लिखा है, लेकिन आयोग द्वारा जो दिया गया है वो 19/7 ये दिया हुआ। आगे है आपका कि भक्तिन की सास कितने बच्चों की माँ थी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप जब कहानी इसको पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि 3 आपका मेंशन वहां पे किया हुआ है, ठीक ना, लेकिन आयोग द्वारा जो दिया गया है वो 5 दिया गया है, तो ये भी नहीं होगा, ये आपका 3 जो होगा वो सही आंसर है। का है कविता बात सीधी थी पर मैं कवि किन साहित्यकारों पर व्यंग करता है। तो देखिए इसमें जो है मेरे हिसाब से सही आपका होना चाहिए भाषा को सरल से कठिन बनाने का प्रयास, क्योंकि बात सीधी थी, आपको लग रहा है कि वहां पे सीधा सरल भाषा का यूज होना चाहिए था, लेकिन कठिन करके वो कलिष्ट कर देते हैं भाषा को, तो उसके बारे में कमेंट था, लेकिन आयोग के द्वारा दिया गया है आपका सी नंबर, तो ये देखिए आपका डी होना चाहिए लेकिन सी दिया गया है। चलिए आगे है आपका कि कवि किसे संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने जीवन में हर सुख दुख सहर्ष स्वीकारा है। ठीक है, तो देखिए मेरे हिसाब से आपका मानव होना चाहिए, क्योंकि वो उसी को लेकर के बोल रहा है, सारा चीज मानव को लेकर के ही बोल रहा है कि
मैंने सुख दुख सहर्ष स्वीकारा है, लेकिन आयोग द्वारा दिया गया है आपका दिवंगत इष्ट को। तो देखिए, जब इष्ट होगा तो आपका दिवंगत आत्मा भी तो होना चाहिए ना, उसी टाइप का, वो सेम, इष्ट और आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, तो दिवंगत आत्मा भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सटीक जो है मेरे हिसाब से मानव बैठता है सही आंसर में, तो ए होना चाहिए। चलिए आगे है आपका, डायरी के पन्ने लेख में वान दान कौन था? तो देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से आपका बी जो है ऑप्शन है आपका, दोनों होना चाहिए, कि एन फ्रैंक के पिता के दोस्त और एन फ्रैंक के पिता के व्यापार भागीदार, मतलब वो दोनों थे। आप यदि पढ़िएगा उसको तो उस लिखा हुआ है कि एन फ्रैंक के पिता के दोस्त और एन फ्रैंक के पिता के व्यापार के भागीदार भी थे वो। तो ये तोड़ तोड़ के दिया है, तो ए भी होना चाहिए बी भी होना चाहिए, दोनों सही है। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा गलत लग रहा है। चलिए आगे है आपका, कवि ने क्यों कहा है कि जहां पे दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं? तो देखिए मेरे हिसाब से आपका डी नंबर जो है कि अनजान लोग रहते हैं, इसीलिए कवि ने कहा है नादान उसको। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है बी नंबर कि मर्म को कोई समझ नहीं पाया। तो आप जब इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कविता का, जब आप कहीं से, तो यहाँ आपको मर्म को कोई समझ नहीं पाया का ये नहीं आपको कहीं मिलेगा। तो आपको सटीक बैठता है डी नंबर ही, इसका सटीक हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे आपका है बादल राग जो कविता है उसमें कवि ने क्रांति का प्रतीक, ठीक है, से किसे संबोधित किया है? यहाँ पे थोड़ा आपका गौर करने का बात है, ये से के वजह से आपका थोड़ा दिक्कत हुआ। देखिए क्रांति का प्रतीक, यदि आपसे पूछता कि क्रांति का प्रतीक किसे संबोधित किया है, तो आपका बादल होता, जो कि आयोग के द्वारा भी यही दिया गया है ए नंबर। लेकिन यहाँ पे से दे दिया है आपका कि क्रांति का प्रतीक से किसे संबोधित किया। तो देखिए क्रांति का प्रतीक मतलब क्या, बादल हो गया। अब बादल से किसे संबोधित किया, मतलब मनुष्य को। तो ये आपका सी मेरे हिसाब से होना चाहिए कि कवि ने क्रांति का प्रतीक से मनुष्य को संबोधित किया है। आगे आपका है कि दूरदर्शन हमारे सामाजिक जीवन में किसकी भूमिका निभाता है? तो देखिए मेरे हिसाब से आपका मनोरंजन भी हो सकता है, आपका छायाकार भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आयोग द्वारा जो दिया गया है वो पहरेदार है। ठीक है, तो आप सोचिए जो पहरेदार और चौकीदार, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो चौकीदार भी तो हो सकता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्शन कैसे दिया जाए। तो देखिए जब आपका जिसमें की दिया गया था उसी समय देखिए आपका दो नंबर का ख के अंतर्गत दिया गया है कि कैसे देना है। तो आप लोग सबसे पहले jssc.in अथवा www.jscnic.in पे आप लोग चले जाइएगा, वहां पे आपका एक दिया गया है लिंक, एक दिया गया रहेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। हाँ, और एक चीज, 24 तारीख तक ही आपका लास्ट डेट है देने का, 2 बजे तक, ठीक है, उसी समय तक देने का है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं उसके साइट के माध्यम से कैसे जाना है वहां पे। आप लोग पहले झारखंड एसएससी का साइट खोल लीजिए, जैसे कि मैंने खोल लिया है, www.jssc.in पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो दिया हुआ लिंक दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ, देखिए, सबमिट रिप्रेजेंटेशन ऑन टेंटेटिव आंसर की ऑफ ISCCE 2017, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। चलिए तो देखिए ये वाला पेज आपका खुलेगा जिसमें कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका एडमिट कार्ड में दिया हुआ होगा या जिसमें फॉर्म भरे होंगे उससे ही आपको मिल जाएगा, और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। उसके बाद आप लॉगिन कीजिएगा, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि पेपर 1 पेपर 2 किसके अंतर्गत आप दे रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस पे दे रहे हैं, और फिर आपको कुछ लिखना है वहाँ पे तो आप लिख सकते हैं, या फिर कुछ आपको उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट यदि देना है तो वो भी आपका ऑप्शन है, तो आप लोग जरूर दीजिए। और
और भी कुछ ऐसा क्वेश्चन यदि लगता है कि नहीं ये सब क्वेश्चन होना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हो सकते